आइए बढ़ाते हैं अपने डीजल इंजन की कहानी को आगे। डीजल इंजन की कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में उसके नए नए इस्तेमाल खोजने की होड़ लग गई और 1912 में पहला डीजल पर आधारित पानी का जहाज बनकर तैयार हो गया। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी क्योंकि इसके बाद डीजल इंजन के इस्तेमाल के ऐसे ऐसे रास्ते खुले जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जैसे जियो ने इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को हिलाया था। वो तो 200 साल हम अंग्रेजों के गुलाम रह गए, नहीं तो हम हिंदुस्तानी भी किसी से कम नहीं। हाँ तो हम कहाँ थे, हाँ शिप के डीजल इंजन पर। अब ध्यान से सुनिएगा, शिप का डीजल इंजन 2 स्ट्रोक पर काम करता है, इसे 4 स्ट्रोक समझने की गलती मत कर देना। पहले स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर भरी हुई हवा को कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद डीजल स्प्रे होता है जो सिलेंडर के अंदर हाई टेम्परेचर की वजह से जल कर पावर स्ट्रोक देता है, जिसके बाद जली हुई गैसें सिलेंडर से बाहर निकलती हैं और ताजी हवा सिलेंडर के अंदर भर जाती है। अब इतने बड़े शिप को चलाने लायक पावर तो मिल गई, पर रफ्तार का क्या, वो कहां से लाए? सिर्फ ताकत होना ही काफी नहीं था, रफ्तार के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके लिए एक सवाल, 4 स्ट्रोक इंजन की खोज के बाद भी शिप में 2 स्ट्रोक इंजन जानबूझकर क्यों लगाया गया था?